के पौड़ी गढ़वाल से सांसद सतपाल महाराज ने कांग्रेस छोड़कर अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्होंने पार्टी में शामिल होते ही मोदी का गुणगान किया। महाराज ने यहां तक कह दिया कि वे परिवर्तन के इस महायज्ञ में पत्तल उठाने को भी तैयार हैं। सतपाल महाराज ने इधर कांग्रेस का हाथ छोड़कर नमो नमो कहना शुरू किया तो उधर कांग्रेस ने उन पर हमला बोलने में देर नहीं की। राजस्व यज्ञ हो रहा है, इसमें श्री कृष्ण महाराज ने जूठी पत्तल उठाई थी, वो काम मैं करूंगा, पार्टी की सेवा करूंगा, मोदी जी का जो विजन है उसको हम पूरा करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के अंदर हम सब उनके पत्तल उठाते थे, उनकी बातें उठाते थे, अब वो भाजपा में पत्तल उठाने चले गए। जो आदमी एक बड़े पद पे आएगा उसका विराट नजरिया हो जाता है और वो सद्भावना की ही निश्चित रूप में बात करेगा। मोदी जी सद्भावना की बात कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देहरादून के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के बीच में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तो पारस पत्थर हैं, जिसको छू लेते हैं वो सोना हो जाता है, और आज उनको जो है नरेंद्र मोदी हीरा दिखाई दे रहे हैं। बाबा ये कहता हूँ कि लड़ना ही नहीं चाहता, मैंने टिकट कहाँ मांगा, आप बताइए कहाँ मांगा। जैसा वो उनका आदेश होगा हम पालन करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। चुनाव लड़ने को तैयार है? हम तो बिल्कुल तैयार है, सेवा करने को तैयार है। मैं उत्तराखंड में कम से कम 5 कांग्रेस विधायक सतपाल महाराज के पाले में हैं। खुद उनकी पत्नी अमृता रावत भी हरीश रावत की सरकार में मंत्री हैं। लेकिन सतपाल महाराज कह रहे हैं कि रावत सरकार को कोई खतरा नहीं। हमारा कोई भी सरकार तोड़ने का हमारा कोई इस समय कोई एजेंडा नहीं है, न लक्ष्य है। हमको उनके जाने की तकलीफ जरूर है, बाकी खतरा जैसा कोई चीज नहीं। यतेंद्र शर्मा के साथ मिथिलेश कुमार, दिल्ली, इंडिया न्यूज़।